हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी भूखर। आज हम आपके सामने आलू मटर पनीर की सबसे आसान रेसिपी शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक टमाटर काट लिया है और यहाँ प्याज, आलू, मिर्च और मसाले के लिए देखिए हम बना लिए हैं मटर और पनीर। इसे एक साइड रखें और पैन को गर्म करें, उसमें ऑयल डालें। अब जो है यहाँ भूने पनीर डाल करके थोड़े देर भूने। देखिए अब थोड़ा ब्राउन कलर आएगा, इसे निकाल लेंगे। आलू डालें भूनने के लिए। आलू को थोड़े रेड कलर के जैसे भूने, फिर नमक डालें। इससे क्या होता है ना, आलू जल्दी से पक जाता है। और इन्हें थोड़ी देर भूने, फिर हम निकाल लें। अब यहाँ तेजपत्ता डालें, फिर जीरा डालें, थोड़ा गर्म मसाला डालें, हरी मिर्च डालें, फिर चलाएं इसे, थोड़ी देर चलाएं। उसके बाद जब ये पक जाए तो हम प्याज डालें, 3 कटे हुए प्याज हैं इसमें। इसे डाल के अच्छी तरह से भूने। देखिए चलाने के बाद ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे इसमें कलर आने लगता है। नमक डालें उसके बाद, नमक से अच्छी तरह से ये भुना जाता है, थोड़ा गलता है नमक डालने के बाद। फिर चलाएं इसे, अच्छी तरह से चलाएं जो कि नमक ठीक से मिल जाए। देखिए धीरे धीरे इसमें कलर आ रहा है, ब्राउन कलर आ रहा है धीरे धीरे। अब इसमें टमाटर डालें, टमाटर डाल के भूने। धीरे धीरे टमाटर गलना शुरू हो जाएगा, इसे ढक ढक दें। अब देखिए टमाटर गल गए हैं। थोड़ी देर के लिए इसे चलाएं। फिर इसमें जो है हम पेस्ट बना के रखे थे अदरक लहसुन प्याज वाला, वो डालें। फिर उसे अच्छी तरह से चलाएं। देखिए चलाने के बाद कलर कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर हम मसाला डालें, मिक्स मसाला, मिर्च पाउडर डालें, हल्दी डालें 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक डालें। वैसे नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार दे सकते हैं। फिर चलाएं इसे, अच्छी तरह से चलाएं जो कि पूरे मसाले भुने चले जाएं। अब इसमें मटर डालें, मटर डाल करके इसे चलाएं ठीक से, सारे मटर जो है मसाले में ठीक से मिल जाए। अब इसे ढक दें थोड़ी देर के लिए। अब फिर से देखिए कुछ ऐसा कलर आ रहा है, धीरे धीरे जो है इसका कलर चेंज होगा और चेंज होके रेड जैसा हो जाएगा। अब इसमें आलू डालें ताकि अच्छी तरह से आलू भी मसाले में पक जाए। अब फिर हम इसे चलाएं, चला के आलू को भी ठीक से मसाले में मिला दें। अब देखिए ये धनिया पत्ता है,
आधे धनिया पत्ता जो है हम डाल के सब्जी के साथ ही मिलाएंगे और आधे को बचा के रखेंगे वो बाद में उसे अच्छी से सजाने के लिए। अब देखें धीरे धीरे तेल निकल रहा है, तेल छूट रहा है, यानी सब्जी भुजाना शुरू हो गया। अब जो है यहाँ पनीर डालें, थोड़ी देर के लिए पनीर को भी मसाले में अच्छे तरह से भूजें ताकि पनीर में भी मसाला अंदर तक चला जाए और फिर चलाएं, थोड़ी देर के लिए ढकें, फिर देखें कुछ देर के बाद देखिए कुछ ऐसा कलर आ रहा है। सब्जी से थोड़ा थोड़ा तेल बाहर निकलेगा जैसे जैसे सब्जी भुजाएगा। तो अब देखिए भुजा चुका है, इसमें थोड़े पानी डालें, अब चलाएं ठीक से, थोड़ी देर के लिए चलाएं और अच्छी तरह से मसाला और पानी एक साथ मिक्स हो जाए, थोड़ा गाढ़ा टाइप का हो जाएगा। चलाते चलाते थोड़ी देर के लिए फिर इसे हम ऐसे ही मीडियम पे रखें। देखिए धीरे धीरे इसमें कलर आना शुरू हो गया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके छोड़ दें। देखिए कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।